आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is, a rectangular path of 60 meter length and 3 meter wide covered by square tiles of side 25 cm. How many tiles will be in one row along its width? How many such rows will be there? Find the number of tiles used to make this path. इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, रेक्टेंगुलर पाथ है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ इज गिवन 60 मीटर है। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी टाइल्स जो है स्क्वायर उसकी साइड सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो हम लिख सकते हैं कि हमारा 60 मीटर हो जाएगा 60 × 100, इट मीन्स इसका आएगी वैल्यू 6000 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ या विथ कुछ भी, विथ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ तो उसकी वैल्यू है 3 मीटर। 3 मीटर का मीन्स हो जाएगा 3 × 100 means 300 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड थिंग हमें गिवन है स्टाइल स्क्वायर जिसकी साइड दी है। सो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स की, तो नंबर ऑफ टाइल विल बी वन रो निकालना हमें कह रहा है। तो सबसे पहले पार्ट में नंबर ऑफ टाइल्स will be in one row along the width of the path, along the width of the path वो equals to हो जाएगा, उतनी ही तो चौड़ी टाइल लगेगी जितना चौड़ा पाथ है कह रहा है। तो width of the path या फिर जो भी साइड है टाइल की, क्योंकि दोनों की चौड़ाई सेम रहेगी तो हम कह सकते हैं साइड ऑफ अ टाइल। इट मींस कह सकते हैं हम कि 300 जो कि विथ है रेक्टेंगुलर पाथ की डिवाइडेड बाय टाइल की एक साइड, इट मींस 12 हो गई इसका आंसर। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है विथ, सेकंड पार्ट हमें कह रहा है हाउ मेनी सच रोज विल बी देयर। सो हम लिख सकते हैं विथ ऑफ द पाथ, अगेन विथ ऑफ द पाथ इक्वल्स टू विथ ऑफ द साइड ऑफ अ टाइल। ये तो हमने बताया अभी 12 आया, 300 डिवाइडेड बाय 25 था, ये भी 12 है। नाउ हमारा लास्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड टू मेक दिस पाथ। जब नंबर ऑफ टाइल्स हमें फाइंड आउट करना है तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज जितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द, अब हम नंबर ऑफ रोज निकाल, नंबर ऑफ टाइल्स तो आ गए, इसको हम डिवाइड कर देंगे अगर साइड ऑफ अ टाइल से, साइड ऑफ अ टाइल से, तो हमारे आ जाएगा नंबर ऑफ रोज। तो लेंथ ऑफ द पाथ कितना है 6000 मीटर है और साइड ऑफ अ टाइल 25 है, डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ रोज आ गए 240। तो हमें तीन पार्ट के क्वेश्चन में हमारे तीनों आंसर्स आ गए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।